सफलता के लिए कुछ लोग कहते हैं किताबें पढ़ो, परिश्रम करो, अपने समय का सदुपयोग करो, अच्छे लोगों की संगति में रहो। ये तो ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ सफलता के लिए आप असफलता से सीखिए, अपनी कमियों से सीखिए, क्योंकि आपकी कमियाँ आपको बता जाती है कि आप कहाँ गलती कर जाते हैं। यदि आप अपने कमियों को सुधार लेते हैं, अपनी असफलताओं से सीखते हैं, तो आप आगे आने वाले हर वो मुसीबत को हरा कर आप जीत सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हार जाते हैं, उनको लगता है हमसे नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत कठिन है, हमसे नहीं होगा। मगर ऐसी कोई बात नहीं है, हर आदमी के अंदर में गुण होता है, क्वालिटी होता है, उसका इस्तेमाल करके भारी से भारी मुसीबत को हरा सकता है और वो जीत सकता है। लेकिन अगर आप मन से हार जाएंगे तो आप कभी जीत नहीं पाएंगे। इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच में भी ऐसा हुआ, इंडिया भले ही मैच हार गया हो लेकिन हमें बहुत सीखा गया हो। क्या सीखने को मिला है? हमें सीखने को मिला है कि हम सामने वाले को कमज़ोर नहीं समझें। दूसरा, हम कभी जल्दबाजी नहीं करें, संयम से काम लें। तीसरा, अपने ही ऊपर निर्भर करें और ऊपर निर्भर नहीं करें। चौथा, हम क्या हैं, हमारा रिकॉर्ड इतना बढ़िया है, इतना हम मैच जीते हैं, ये हमारा ऐसा नहीं चलेगा। वर्तमान में हम क्या हैं और हमें खेलना है, ये हमें जानना है। और पाँचवा, हर वो मौका आखिरी मौका होता है, जान लें कि आपको जो मौका मिला है ये आखिरी मौका है, अगर ये मौका चूके फिर हमको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अपना जितना भी है 100% आप उसमें लगा दीजिए, आपको जीत मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए शायर कहता है, मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है।